हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे, आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे क्लास 8 की इंग्लिश बुक लेसन 16, हार्वेस्टिंग रेन। तो आइए लेसन शुरू करते हैं और सबसे पहले एक दो सवाल देख लेते हैं। डू यू लाइक टू प्ले इन द रेन? क्या आप बारिश में खेलना पसंद करते हैं? लिस्ट द थिंग्स विच यू डू इन रेन वाटर। तो आप बारिश के पानी में क्या क्या करते हैं इसकी एक सूची बनाइए। हैव यू एवर सीन पीपल कलेक्टिंग रेन वाटर? क्या आपने कभी बारिश के पानी इकट्ठा करते हुए लोगों को देखा है? हाउ डू दे कलेक्ट इट? आखिर वे कैसे इसे इकट्ठा करते हैं? आप इसका जवाब हमें जरूर कमेंट कर बताएं और हम शुरू करते हैं आज का लेसन। हैव यू एवर कलेक्टेड रेन वाटर? क्या आपने कभी बारिश के पानी को इकट्ठा किया है? My family used to collect rainwater in buckets and the water was put to good use. मेरे परिवार के लोग बारिश के पानी को इकट्ठा किया करते थे बाल्टी में और फिर उसका यूज अच्छे पर्पज से किया करते थे। Collecting water during the June showers, especially after facing severe water shortages all summer, was a thrilling experience. तो पानी को इकट्ठा करना जून के बारिश में, खास करके बहुत ज़्यादा गर्मी को फेस करने के बाद जब पानी की बिल्कुल कमी हो जाती है, इस प्रकार का अनुभव बहुत ही रोमांचकारी होता है। My adventure with rainwater never stopped there. तो मेरा यह बारिश के पानी को इकट्ठा करने का अनुभव यहाँ तक नहीं रुका, यह आगे तक बढ़ता गया। While teaching at a school in the Maldives, I saw rainwater harvesting. तो जब मैं मालदीव के एक स्कूल में पढ़ा रहा था, वहाँ भी मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखा। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? तो आखिर यह रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? इट इज ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस। यह एक तरीका है जिसके तहत बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है घरेलू उपयोग के लिए। The Maldives is an archipelago in southern Asia made up of a group of 1190 islands. तो मालदीव एक द्वीपों का समूह है साउदर्न एशिया में, जहां पर कि 1190 द्वीप हैं। The islands receive rainfall from the northeast monsoon and the southwest monsoon. तो यह द्वीप बारिश यहाँ पर होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून और साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा। द रेन्स आर अनप्रेडिक्टेबल एंड देयर इज नो फ्रेश वाटर अवेलेबल। यहाँ पर बारिश का पूर्वानुमान नहीं होता है और साथ ही फ्रेश वाटर भी अवेलेबल नहीं है। इट इज डिफिकल्ट टू गेट ग्राउंड वाटर एंड इट इज नॉट फिट फॉर द ड्रिंकिंग। भूगर्भ का जल निकालना बहुत ही मुश्किल है, साथ ही यह पीने के लायक भी नहीं है। द पीपल हैव बीन टाउट टू सेट अप अ गुड सिस्टम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वहाँ के लोगों को सिखाया गया है, बताया गया है कि आखिर किस तरीके से बारिश के पानी को अच्छी तरीके से इकट्ठा किया जा सकता है। ईच न्यूली बिल्ट हाउस इज फिटेड विथ स्लोपिंग रूफ्स मेड ऑफ कॉरुगेटेड आयरन। जितने भी वहाँ नए घर बनते हैं, सबके छत में नालियाँ लगी होती हैं जो कि लोहे की होती हैं। दिस इज आइडियल फॉर कलेक्टिंग रेन वाटर। इस प्रकार के छत बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए आदर्श होती हैं। गटर्स आर नेल्ड टू द बेस ऑफ द रूफ एंड द सील्ड ऑफ एट वन एंड। ये जो नालियाँ हैं वे बेस छत के बेस से जुड़ी होती हैं और उसका एक सिरा को बंद कर दिया जाता है। द अदर एंड ऑफ द गटर हैज़ अ पाइप डैट लीड्स टू अ ह्यूज टैंक मेड ऑफ सीमेंट। दूसरा सिरा जो है गटर का, वह पाइप से जोड़ दिया जाता है जो कि सीमेंट के टैंक में जाकर के खुलता है। द पाइप इज एक्सटेंडेड इन सच अ वे एज टू डिलीवर द वाटर इन टू द टैंक। पाइप इस प्रकार से फैला होता है कि वह सारे पानी को ले जाकर के टैंक में छोड़ दे। द टैंक हैज ए टैप इट्स बेस। टैंक के बेस में एक टैप लगा हुआ होता है अथवा नल लगा हुआ होता है। सम हाउसेस हैव ए सिस्टम फॉर लॉकिंग द टैप। कुछ घरों में
टंकी के टैप को लॉक करने का सिस्टम होता है। वंस द टैंक इन द हाउस वेयर आई लिव्ड रैन ड्राई, आई डिडंट हैव टू वरी। एक बार जिस घर में मैं रहता था वहाँ का पानी खत्म हो गया टैंक का, लेकिन मुझे परेशान नहीं होना पड़ा। द स्कूल हैड प्लेंटी ऑफ वाटर ऑल थ्रू द ईयर, क्योंकि स्कूल में पर्याप्त मात्रा में पानी सालों भर रहता था। कैन यू गेस व्हाई, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों? द एरिया ऑफ द स्कूल रूफ बीइंग एक्सट्रीमली लार्ज, द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इज ग्रेटर। तो स्कूल के छत का एरिया काफ़ी बड़ा था, अतः पानी जो इकट्ठा होता था वह बड़ी मात्रा में होता था। आफ्टर ए लॉन्ग ड्राई स्पेल वन नाइट देयर वॉज अ हैवी डाउनपोर। तो एक लंबे समय के बाद, लंबे अरसे के बाद एक रात को बहुत जोरों की बारिश हुई। आई वॉज डिलाइटेड बिकॉज दैट मीन्ट दैट माई टैंक वॉज फिलिंग अप। तो मैं काफ़ी खुश हुआ क्योंकि इसका मतलब था कि मेरा भी टंकी फुल हो जाएगा। बट नेक्स्ट मॉर्निंग द टैंक वॉज एम्प्टी, लेकिन अगली सुबह जब मैं देखा तो टंकी बिल्कुल खाली था। द अर्ली रेन्स ऑफ द सीजन आर अलाउड टू फ्लो टू वेस्ट सो एज टू क्लीन द रूफ एंड द टैंक बिफोर द वाटर इज स्टोरेड। आई हैड नेवर थॉट ऑफ दैट। तो मौसम के पहले बारिश को बहने के लिए छोड़ दिया जाता है, बेकार होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि वह छत पर के गंदगी को साफ कर सके, टंकी में के गंदगी को साफ कर सके। और मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर हार्वेस्टिंग रेन वाटर। आज दुनिया भर के लोग बारिश के पानी को इकट्ठा कर रहे हैं। येट इन आवर कंट्री लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेन वाटर आर लॉस्ट। फिर भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा बारिश का पानी बर्बाद हो रहा है। इट्स यूज शुड बी एनकरेज एट द फैमिली एंड स्कूल लेवल। इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए पारिवारिक रूप पर, स्कूल के लेवल पर। वी नीड रेन वाटर, हमें ज़रूरत है इन बारिश के पानी की। इट इज़ एबंडेंट, सेफ एंड वेरी स्वीट एंड प्लीजेंट टू ड्रिंक। यह पर्याप्त मात्रा में है, सुरक्षित है, बहुत ही मीठा है, साथ ही पीने में आनंददायक है। आइए अब लेशन में आए नए वर्ड को देख लेते हैं। शॉर्टेज, शॉर्टेज मीन्स अभाव। थ्रिलिंग, थ्रिलिंग मीन्स अति प्रसन्न। एडवेंचर, एडवेंचर मीन्स रोमांच। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मीन्स फसल इकट्ठा करना। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू। आर्किपिलेगो, आर्किपिलेगो मीन्स टापुओं का समूह। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर मीन्स भूजल। कॉरुगेटेड, कॉरुगेटेड मीन्स नालीदार। गटर्स, गटर मीन्स नाला। डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स प्रसन्न। डाउनपोर, डाउनपोर मीन्स वर्षा। एबंडेंट, एबंडेंट मीन्स पर्याप्त। सेवर, सेवर मीन्स बहुत अधिक। आइए लेशन में आए कुछ क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो पहला है, व्हेन इज कलेक्टिंग वाटर ऑफ वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। आंसर होगा, कलेक्टिंग वाटर ऑफ वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आफ्टर फेसिंग सेवर वाटर शॉर्टेज ऑल समर। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन डज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिकम यूजफुल एंड नेसेसरी। आंसर होगा, द रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिकम यूजफुल एंड नेसेसरी व्हेन रेन्स आर अनप्रेडिक्टेबल एंड देयर इज नो फ्रेश वाटर। थर्ड है, व्हाट इज द नेसेसरी स्टेप बिफोर कलेक्टिंग रेन वाटर। आंसर होगा, अ नेसेसरी स्टेप बिफोर कलेक्टिंग रेन वाटर इज द अर्ली रेन्स ऑफ द सीजन आर अलाउड टू फ्लो टू क्लीन द रूफ। आइए अब ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। तो पहला है, द आइलैंड ऑफ मालदीव्स रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट मानसून। फॉल्स। सेकेंड है, द पीपुल इन मालदीव्स डिपेंड एंटायरली ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर देयर नीड्स फॉर वाटर। ट्रू। थर्ड है, ऑल हाउसेस इन मालदीव्स हैव द स्लोपिंग रूफ्स मेड ऑफ कॉरुगेटेड आयरन। ट्रू। फोर्थ है, द ऑथर्स स्कूल हैड वाटर राउंड द ईयर। ट्रू। फिफ्थ है, रेन वाटर इज हाईली डिपेंडेबल। ट्रू।
तो आप सबको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप लाइक करना हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।